तो फ्रेंड्स, हमारी मोहब्बत शरबत बनकर हो चुकी है रेडी। तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी? तो कैसे आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मोहब्बत शरबत। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ हमने तरबूज लिया है, जिसे हमने काट लिया है, छोटे टुकड़ों में इसके पीसेस कर लिए हैं। ये हमने लिया है यहाँ रूह अफ़ज़ा, और यहाँ हमने लिया है एक कटोरी चीनी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ हमने एक कटोरी चीनी लिया है, जिसे हमने पीस लिया है। आप भी इसे देख सकते हैं। यहाँ हमने एक बॉल लिया है, इसमें हमने डाला है बर्फ़ की सिल्ली। आप इजीली फ्रीज में इसे जमा सकते हैं और इसी तरह सिल्ली तैयार करें और फिर से रख दे सकते हैं। यहाँ हमने एक कटोरी दूध लिया है और इसे हमने अच्छी तरीके से पूरा ठंडा कर दिया है। अब इसमें ऐड करेंगे। आप देख रहे हैं हमने इसमें दूध ऐड कर दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम ऐड करेंगे चीनी, जिसे हमने पीस लिया था। इसमें हमें 1.5 चम्मच चीनी ऐड करना है। फ्रेंड्स, इसे हम अच्छी तरीके से अब मिक्स करेंगे ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ हमने एक बड़ा चम्मच लिया है रूह अफ़ज़ा का। इसमें हम रूह अफ़ज़ा ऐड करेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि रूह अफ़ज़ा इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना पिंक हो रहा है। यहाँ हमने ले लिया था एक कटोरी तरबूज, जिसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था, और अब हम इसमें ऐड करेंगे तरबूज। फ्रेंड्स, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ हमने ले लिया है ग्लास, इसमें हम ऐड करेंगे आइस क्यूब। तो फ्रेंड्स, इसमें हम ऐड करेंगे अब जो हमने मोहब्बत शरबत बनाया था, इसे हम सर्व करें ग्लास में। तो फ्रेंड्स, हमारी मोहब्बत शरबत बनकर हो चुकी है रेडी। तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ऐसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप देख सकते हो कितनी टेस्टी दिख रही है, और गर्मियों के मौसम में ये काफ़ी अच्छी होती है। तो आप भी इसे घर में ज़रूर ट्राई करें और गर्मियों का मौसम इंजॉय करें।